ओम शांति। समान आप सभी कम से कम 12 समान लिखकर रखेंगे। कई सालों की हमने चर्चा कर ली है, लेकिन फटाफट जो लिखना चाहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, इशारों में लिख लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विजयी रतन हूँ। बदलीजिए लिखो, मैं हूँ छोड़ दो, मैं विजयी रतन हूँ, मैं इष्ट देव हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। तीन चार शब्द है इसके लिए, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, और जिसको बहुत पावरफुल अनुभव करने हो, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। आत्मा सूर्य की तरह तेजो में चमक रही है। मैं परमा परम भाग्यशाली हूँ, मैं प्रकृति का मालिक हूँ, मैं पूर्वज हूँ, बाप समान हूँ। अरे ने कैसे प्रैक्टिस में लाना है, मैंने आपको संकल्प दिया, जो बहुत सुंदर अनुभूति चाहते हैं, जो अपने चित्त को शांत भी करना चाहते हैं, और उसे बहुत महान विचारों से भरना भी चाहते हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं। दुनिया में आज तक जो योग सिखाए लोगों ने द्वापर युग से, उसमें एक ही लक्ष्य था, मन को पूरी तरह शांत करो, जीरो कर लाओ। आजकल की यही सिखाते हैं लोग, श्वासों पे ध्यान एकाग्र करो, मन शांत हो जाए, मन के विचारों पर ध्यान दो, तुम क्या सोच रहे हो उनको शांत करो। पर कोई भी ये नहीं सिखाता कि मन को शांत करने के साथ मन को महान संकल्पों से कैसे भरो। किसी के पास महान संकल्प है भी नहीं, केवल बाबा ने आप पर हमें महान संकल्प दिए हैं। तो देखो कैसे करेंगे, टीचर बहन अपनी अपनी क्लास में कराएगी कि दबाशाला वाले भी कराएं। पहला समान लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे तो घर में काम करेंगे 10 मिनट देकर। मैं एक महान आत्मा हूँ, अभी आपने लिख लिया। अब इसे दो बार बहुत गहनता से पढ़ना है। ये सत्य है कि मैं एक महान आत्मा हूँ। तीसरी बार फिर, दो युग मैंने देव कुल में व्यतीत किए, मैं महान हूँ। चौथी बार फिर, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूँ। समझ गए क्या करना है, यह अंदर चला जाए, अंतर मन से रिजेक्ट न करते, बाहर न फेंकते। सत्सर मैं हूं, 21 दिन ये प्रैक्टिस आप कर ले, जरा सोई हुई शक्तियां भी जग जाएंगी, सोई हुई महानताएं जग जाएंगी, छुपी हुई पवित्रता बाहर आ जाएगी, सारे सद्गुण जीवन में सहज आने लगेंगे। 21 दिन करके देखो, छोटा सा अनुभव, बहुत बहुत साल पहले गुजरात से एक युवक मेरे पास आया, कुमार वो कहा, उसी ये था चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसने कहा मेरे पास बहुत समस्याएं आ गई हैं, मुझे एक घंटा चाहिए आपसे डिस्कस करना है। मैंने उसे कहा कि आज तो मेरे पास एक घंटा नहीं, कल आप मिलना मेरे से, और तब तक एक काम करके लाओ, 50 सोमान के पॉइंट्स लिख के आना। वो अगले दिन आ गया 50 सोमान के पॉइंट लिखकर। मैंने पूछा अभी एक घंटा हमारे पास है, बोलो आपकी क्या समस्या है। उसका उत्तर था,
क्या होगा? मेरी कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है? समस्याएं कुछ नहीं है, कमजोर मन की रचना है। हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, छोटी बात हमें समस्या लगती है। और जो लोग लंबा समय व्यर्थ में रहे हैं, जो निगेटिव विचारों में रहे हैं, जिन्होंने पाप थोड़े ज्यादा कर दिए, उनकी ये आंतरिक शक्तियां नष्ट हो गई हैं। इन्हें बनाना है।